बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहां कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानियत फरमाए। आगे बढ़ने से पहले मैं बेगम को कहूंगा सलाम कर लो, बाय बाय तो सलाम सलाम, बाय बाय तो बाप लास्ट तक काम शुरू है। देखा जी माशाल्लाह आज तबीयत फट है ना, आलू मटर हो गया, बंद गोभी, पोदू गोभी और गाजरे हो गई, अरबी हो गई और बंद गोभी पोदू गोभी मैंने नाम ले लिया। साथ साथ ये काम भी कर रही है, देखे अपने काम में मगन हो गई है माशाल्लाह, अचार बनाने लग गई है। और मेथरा पालक और गंदलों का जो साग, नीला साग भी कहते हैं उसको, ये बेटा ये करीब से दिखाओ, ये कलौंजी है जी, कलौंजी। हाँ ये देखे जी मेथरे की बात कर रही, मेथरा नहीं लेके आया मैं, माजरत जी तेरी तो सारे के गए। ये कलौंजी और मेथरा, मेथरा ले आऊंगा जी, माजरत कर दो जी, आप भी साथ में माजरत कर लो। दूसरा कर रही है, असल में मैं अकेला गया था, ये कह रही थी मुझे साथ लेके जाओ, मैं कौन सा सारा सामान लेके आऊंगी। तो मैंने गर्मी बहुत शदीद है, दरअसल यहाँ से शहर का सफर जो है कम पेश 20 किलोमीटर सफर बनता है, इसलिए कि इनको मैं साथ लेके नहीं गया, उसके लिए माजरत, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है नाज़रीन। मैं आपको जो क्या आपको बताया कि गर्मी शदीद बाकी है, तो यकीन जाने कि मैं जिस दिन अमरिया लेके आया ना मंडी से, मैंने उधर वीडियो नहीं बना सका। अब ये हल्दी बेगम मेरे साथ साथ डाल रही है, ये भी आपसे बात करते जाए, और ये मिर्चें भी डाल रही है, सब्जी की बात वही रहेगी, मैं वो भी बताता हूँ आपको। ये मिर्चें डाल रही है, ये देख लो जी कलौंजी इसने डाल दी, मिर्चें डाल ली। हाँ जी ये है डोई, इसको हम अपनी जबान में डोई बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे शहर के अंदर रहने वाले लोग। मेरा अबू अकर मेरा अपनी माँ को इशारा कर रहा है जी, क्या इशारा कर रहा है जी? हाँ जी बोलो क्या बात कर रहे हैं गर्मी मामा से। हाँ जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह ये देख रहा है जी। आज ये दोनों साहबजादे के साथ बैठे हुए और ये मेरा मेरी साथ साथ जो है निकाल रही है, उसमें देश के में से बैठा है करीब से निकाल रहा। ये जो है ना नमक लगा के रख दिया गया था तकरीबन 3 दिन ये बढ़ रहा है, और उसके बाद उसने अपना पानी शानी छोड़ छूट दिया, खुशक हो गई अब जो है ज्यादा नरम हो गई अभी से ही, देखिए आगे क्या बनता है। और असल में ना ये जो अमलिया ली गई है ना, दरअसल गलती होगी क्योंकि तजर्बा नहीं था इस बात का, गुस्सा ये है कि औरतें समझाती रहती, बेगम मेरी तो आपको पता है बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी चार बहन है समझाती है, लेकिन जहां तक मेरी समझ आती है। लेकिन कहने का मकसद ये था, ये है मुरब्बे वाली, यानी कि जो मीठा मुरब्बा बनाते हैं ना उसकी थी, चार वाली खट्टी अमली होती है वो नहीं है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानते हैं। आप आगे क्या होता है दुआ करें बेहतर हो जाए, ताकि ये नुकसान ना हो, गिरे ना, ठीक है जी। ये बाकी डाल रहे धनिया डाल रहे हैं, मिर्चे, हल्दी और सौंफ, बाकी ऐल डाले के ऐल भी जो है ना इसने जो मैं लेके आया था 3 केजी, तो इसमें से 2 केजी जो है ना इसने इस बाल्टी में डाल दिया, जो लसूड़े वाली ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो पिछले बीच में एक वीडियो चल चुके हैं, उसमें देखा होगा आप लोगों ने लसूड़े का हमने डाला था, दरअसल वो बाल्टी पूरी हो गई तो फिर और बर्तन हमारे पास था नहीं, ये बाल्टी में आज ही लेके आया हूँ बाजार से, स्पेशल किया था लेके आ गया हूँ, और इसमें जो है हम डालेंगे ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ताकि पानी पानी अभी छोड़ रहा है, कहीं ऊपर ऊपर से निकाल लूं कि पानी नीचे रह जाएगा। तो नाज़रीन आप में से जो अचार के मुतालिक तजर्बा रखते हैं कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार करना है, बकायदा मेरा नंबर भी स्क्रीन पे होगा तो उस पर भी मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं, और ताकि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। दुआ भी याद रखिएगा, बाकी दुआ करते रहा करें, आपने जो है ना वीडियो अंत तक देखनी है।
नाजरीन ये जो सोडे में ना हमारा जो मसाला नमक और मिर्च तो डाल दी गई थी वो रह गई, बाकी मटेरियल रह गया था जो उसमें डाला है, मतलब धनिया कलवंजी और सौंफ वो डालेंगे इसमें, बाकी इसका मटेरियल पूरा हो चुका है अलहमदिल्ला। ज्यादा लंबा चौड़ा इंतजाम नहीं करते, इतना था। अब रह गए चने और चना दाल, दो चीजें हैं। अगर वो यानी कि इंतजाम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ये हमारा यानी कि 6 महीने के लिए काफी है। ऐसा होता है कि किसी टाइम साल नहीं है तो या आपके गोभी जो भी वक्त है उसमें हमने थोड़ा सा निकाला और सारा नहीं है तो फिर मतलब इसको इस्तेमाल कर लिया इमरजेंसी तौर पर, हमारे काम आ सकता है, इसलिए इसको बनाया गया। आप हर घर की जरूरत है, चाहे अमीर है गरीब है सब बनाते हैं, तो लेकिन ये कि हम अपने हवाले से यानी कि जो बात कर रहे थे हम इमरजेंसी में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकता है। तो अब इसमें हमारे पास ये 2 बाल्टियां बड़ी होगी, यानी कि इसमें हम चने और चने वाली दाल ये 2 चीजें जो है उनको उबाल के इसमें मिक्स करने की कोशिश करेंगे, तकरीबन वो भी होगी माशाल्लाह कर लेंगे। तो इसमें एयर जो है ना काफी है माशाल्लाह, हाँ ये एयर बहुत है, इसमें से निकाल के उधर थोड़ा डालना है, एयर जो है ना इसमें काफी है। बेटा जरा ऊपर से दिखाओ, करीब आके ऊपर ऊपर से बिल्कुल दिखाओ। अब ये देखे बेगम मेरी हिला रही है ना, तो हिलाने में बहुत आसानी हो रही, कोई मुश्किल नहीं हो रही, ये तेल उधर डालना है, ठीक है डालना है। तो ले आऊंगा ना जाके। अब ये देखे पीछे जिस बात ये झगड़ा कर रही है मेरे साथ, बात करिए कहीं ऊपर ये सवल जाएगा खराब हो जाएगा, यानी वो रंग कलर चेंज कर देता है। आपने वो ऊपर उठा के फेंकने वाली ये इशारा कर दी, और जी ले आऊंगा जी मेहरबानी, मैं इंशाल्लाह जी आज ही उनको लेके देता हूँ, आज ही लेके देता हूँ जी, वादा रहा। और कल वाली वीडियो में देखेंगे और आज इन्हें लेके दूंगा आज ही इंशाल्लाह। अभी मैं निकलता हूँ बाजार जाऊंगा, क्योंकि बाजार जाने थोड़ा दूर है और वहां से बकायदा नहीं मिलेगा कोलू से, हाँ कोलू से ले जाएंगे, यहाँ कोलू वगैरह करीब नहीं है, यहाँ कह रही है मोटा हो गया उधर बता रहा इतना इतना मोटा दिखा रहा निकाल के बाहर उधर देखा बेटा जरा करीब से देखो, ये फूलता जा रहा है, हालांकि आज ये दूसरा दिन है फूल रहा है माशाल्लाह, आज तक और फूलेगा बहुत जबरदस्त। और ये देखिए आपके सामने ये तेल बाहर ऊपर ऊपर फिर रहा है, ये देख ले आपके सामने है, कैसे जरा दोबारा बताओ उनको, कह दिया अगर नहीं लेके दिया तो उसको मारूंगी। चले जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बच रखे, सलामत रखे, अल्लाह आपको बच रखे सलामत रखे। बोतले लेके लिए बोतले लेके लिए सवा 2 लीटर की 2 बोतले शुक्र जी, 2.25 लीटर की 1 बोतल यानी कि एयर की वो उसमें आके डाले हम चला गए, बाकी दोनों याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।